हाँ महिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया और विगत वर्ष में जो उल्लेखनीय प्रगति थी और देश से और नागरिकों से जो उनकी अपेक्षा थी उन्होंने विस्तार से देश के समक्ष रखा। मैं उनका आभारी हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं क्या 2020 हमारा कठिनाइयों का वर्ष रहा है। कोविड-19 का संकट आया, सारी गतिविधियों पर विराम लगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुए और परिस्थितियां ऐसी थी कि एकदम देश हतप्रभ था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के नागरिक दोनों इस देश की बड़ी ताकत हैं और इसी का यह परिणाम हम सब लोगों को ध्यान में आया कि जब लॉकडाउन 1 हुआ तो उस समय देश ने जिस प्रकार से अनुशासन का परिचय दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वह कालखंड ऐसा कालखंड था कि अगर महामारी का विस्तार होता तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते, चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार से शत प्रतिशत पालन में राज्य सरकारों ने, नागरिकों ने भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वायरस, उनका देहांत भी हुआ, बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए, निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूर्ण रूपेण सक्षम है। एक पीपी किट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता था, आज हम पीपी किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। जिला अस्पतालों तक में वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी, यह सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक कि जो हमारे छोटे अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था पहुँच गई है और उसके कारण निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने में हम लोग बहुत सफल हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के इस कृतित्व की निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। आज
जब इस वर्ष का बजट आया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तो ये कोशिश होती है कि वह सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे, सभी वर्गों पर ध्यान दे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 137% की जो वृद्धि की गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आम तौर पर जब इस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन हम पहले बनाएंगे या वैक्सीन दूसरे देश बनाएंगे और वो वैक्सीन हम सबको मिल पाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो देश को देसी उपलब्ध कराई, इसके कारण निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बढ़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो और चाहे आज वैक्सीन को देने का मामला हो, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है, यह हम सब भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,92,000 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए।
सरकार बनी बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं, वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है, उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरी और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है, उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा, यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूँ। दूसरा माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है उसका हक और मालिकाना स्वत किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा, राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है यह संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा माननीय
सभापति महोदय, मनरेगा यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर ये भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है, तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है, शुरुआत आपने की लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया, और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियोटैग करने का काम किया, मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया, और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल सेट बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया, और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी ये सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले, और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने, और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डांबरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डांबरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है, आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज पूर्णता की ओर है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी, यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया। बनाई जाएगी जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है, बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है, 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है, उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था
आज हम लोगों ने परिवर्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिवर्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हम आवास दे रहे हैं इसका कोई यश प्राप्त किया जाए, गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम यह कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है, यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा, किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी उसमें 10,000 रुपया पीएम किसान में कम किया है, तो 10,000 करोड़, तो
कृपा करके जरा उसमें वित्त मंत्री से बात करके इसमें आज के समय में जब इतने बड़ा उत्पादन हो रहा है इसको कम करना उचित है। आनंद जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ उस समय एक अनुमान लगाया क्या कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे, तो 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी लगातार कोशिश करने के बाद भी 10.75 करोड़ किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो आ जाएंगे तो 70 लाख उनके ही हो जाएंगे। तो चूंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा काम इसमें चल रहा था 65,000 करोड़ रुपए में, और इस समय जो आप तो वर्षों मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी तो थोड़ी उसमें दिक्कत भी थी, तो इसलिए वहाँ 75 हटा के 10,000 कम किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 111,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने के और जाना पड़ेगा। जी ठीक है, till he concludes and we will reduce it from our other speakers. ठीक है। दूसरा, माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, लेकिन नीम कोटिंग किया उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी, सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है, छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तु सी है कि MSP का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए FPO बनाएंगे और 10,000 नए FPO को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक FPO के साथ जुड़े तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए FPO का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को MSP लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं, आज वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज
कोई भी संरचना दिखाई देती है तो वो जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लेकर आके वेयर हाउस में रखे और दो महीने तक वो फसल को रोके, ये उसकी हैसियत नहीं है। ये जितनी भी संरचनाएं बनी है, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग ये संरचनाएं व्यापारियों के लिए है या सरकारी गोदाम। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके, और इसके माध्यम से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जाना शुरू हो जाएगी। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई है, जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, रोज जा रही हैं आ रही हैं, और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। किसान उड़ान योजना के अंतर्गत आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल दूसरे देशों में भी जाकर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है, जिसका फायदा निश्चित रूप से किसान लोगों को हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। Honorable Minister, I just want to bring to your notice that your assigned time is over, but you can take time as per the other. पांच मिनट में खत्म करता दूसरा आम तौर पर हम जानते हैं कि किसान गांव में रहता है, गरीब है, तो किसान को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, इसलिए किसान पेंशन योजना, किसान मानधन योजना, जिसमें 21 लाख किसान जुड़ चुके हैं 60 वर्ष की आयु के बाद, उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी, यह सुविधा भी सरकार की तरफ से आरंभ की गई। आपदा के समय यह नियम रहता था कि 50% से अधिक अगर लोग आपदा से प्रभावित होंगे तो ही सरकारी मदद उन्हें मिलेगी, इसको घटाकर 33% किया, इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिलने वाला है। अब मैं एक जिक्र करके अपनी बात को पूरा समाप्त करूंगा। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी, उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा, और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा, सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था, दूसरा मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया, ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा, वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति
किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग, एक ही राज्य का मसला है। प्लीज डोंट इंटरव्यू, लेट हिम स्पीक, प्लीज डोंट, वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपके आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है जमीन चली जाएगी। नो नो प्लीज, नो कमेंट्स फ्रॉम ईदर साइड, नो कमेंट प्लीज, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीक। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय पारित हुआ था,
और आज अरे प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज ही इज नॉट यील्डिंग सो प्लीज दीपेंद्र भाई दीपेंद्र भाई प्लीज अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए यू स्टिल हैव अ मेंबर यू कैन स्पीक यू कैन रिप्लाई लेटर आपका नहीं लिया आपका नहीं लिया मैंने माननीय सभापति महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है नहीं नुकसान वी आर ऑलरेडी वेरी टाइट ऑन टाइम दीपेंद्र भाई लेट हिम फिनिश यू स्टिल हैव अ मेंबर टू स्पीक ही कैन रिप्लाई इन दैट ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज कंटिन्यू Honorable Minister, please continue. नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी आप सजा का प्रावधान ठीक है देवन भाई आपके बात आ गई लेकिन मैं कुल देखिए दीपेन जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है देखिए दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है लेकिन भारत सरकार का एक्ट कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं नहीं मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब आप पंजाब की बात कर रहे हैं हरियाणा की बात कर रहे हैं ये कंफ्यूज तो हो हुड्डा जी अब एक मिनट दीपेन जी व्हेन एनी रेफरेंस हैज टू बी मेड टू अ पर्सन और स्टेट और अ स्टेट अंडर विच रूल इज नॉट प्रेजेंटिंग अप द पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड अबाउट अ रिपोर्ट व्हिच इज नाइदर अ ऑफिशियल रिपोर्ट और अ गवर्नमेंट रिपोर्ट Under which rule, Sharma ji, are you making the point of order? Dipendra ji, Dipendra ji, please. Dipendra ji, please. Honorable Minister, please sit. Let him speak. देखिए, ये Honorable Member, और ये चेयर है. ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए कान खोल कर सुन लो ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना मैं जवाब दूंगा आपको भूपेंद्र यादव जी एज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज से अंडर व्हिच रूल मैडम माननीय सभापति मैडम भूपेंद्र यादव 238 रूल 9
shall not obstruct proceeding his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. Unko jara restrict kariye. The honorable members, please realize we are very short on time. And let the honorable minister finish his speech. You still have one member who can speak, so they can respond to what honorable minister is saying. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजेक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को ईनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोमित जी। इसके बाद श्री अखिलेश प्रसाद जी।